तो समाजवाद का समाज के प्रति असंवेदनशीलता तो देखिए, सपा नेता के पुत्र रजौल सिंह ने बेटी को बंधक बनाया हुआ है। न्याय के लिए मां जब सपा कार्यालय के बाहर अखिलेश जी से मिलने के लिए आई तो अखिलेश ने पीड़िता की मां से मिलने के बजाय उन्हें घसीट करके वहां से हटवा दिया था। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मेरठ की। मेरठ में सिवाल खास से बीजेपी प्रत्याशी चौधरी मनिंदर पाल सिंह के काफिले पर पथराव का मामला सामने आया है। मेरठ के छुरू गांव में मनिंदर के काफिले में शामिल गाड़ियों पर पथराव का आरोप लगा है आरएलडी कार्यकर्ताओं पर। जाट बाहुल्य इलाके में ग्रामीणों की भीड़ ने प्रत्याशी के काफिले में शामिल गाड़ियों पर पथराव किया, जिसकी वजह से चार गाड़ियों के शीशे टूट गए। बताया ये भी जा रहा है कि भीड़ में शामिल लोगों के पास राष्ट्रीय लोक दल के झंडे थे और इस दौरान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। छुर ग्राम के ये सरगना थाना क्षेत्र में पड़ता है और विधानसभा सिवाल खास है। इसमें जो प्रत्याशी हैं उनका उनकी कुछ गाड़ियां जा रही थी छुर ग्राम से, तो गांव के कुछ लोगों के द्वारा दूसरे पार्टी के झंडे दिखाए गए और पथराव करने का भी वीडियो सामने आया है। इनके द्वारा जो तहरीर दी जाएगी उस पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। अभी जो गाँव के कुछ लोग कोविड नियमों का उल्लंघन करके जो वहाँ पर भीड़ जमा थी उसके तहत पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है।